कि जल्द ही टीम इंडिया पाकिस्तान के साथ न्यूट्रल वेन्यू पर टेस्ट क्रिकेट खेलती हुई नजर आ सकती है। अब यहां पर रोहित शर्मा का ये कहना कि वो पाकिस्तान के साथ टेस्ट सीरीज भी खेलना चाहता है, भारत और पाकिस्तान के बीच में टेस्ट सीरीज खेला जाए, लेकिन कहां पे आयोजन हो सकता है? न्यूट्रल वेन्यू पे हो सकता है। भारत पाकिस्तान के मुकाबले की जिक्र की होने लगी, कौन है वो जिसने भारत पाकिस्तान विपक्षी सीरीज को छेड़ दिया? बहुत जल्द भारत पाकिस्तान आमने सामने। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा के पाक भारत टेस्ट सीरीज के हवाले से दिए गए बयान के बाद भारतीय मीडिया के ऊपर पाकिस्तान और भारत के दरमियान टेस्ट सीरीज के हवाले से खबरें और ज्यादा गर्दिश करना शुरू हो गई हैं। क्या T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान किसी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर टेस्ट सीरीज होने वाली है? इसके ऊपर भारतीय मीडिया का क्या कुछ कहना है, इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। रोहित शर्मा ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही टीम इंडिया पाकिस्तान के साथ न्यूट्रल वेन्यू पर टेस्ट क्रिकेट खेलती हुई नजर आ सकती है। पाकिस्तान की कुछ तारीफ भी यहां पर रोहित शर्मा करते हुए नजर आए। रोहित शर्मा ने एक चौंकाने वाला जवाब दे दिया है। रोहित शर्मा ने एक इंटरव्यू में जवाब दिया और कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि पाकिस्तान एक अच्छी टीम है, उनकी गेंदबाजी लाइनअप शानदार है, अगर हम पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज खेलेंगे तो बहुत अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। अब यहां पर रोहित शर्मा का ये कहना कि वो पाकिस्तान के साथ टेस्ट सीरीज भी खेलना चाहते हैं या खेलने का अगर मौका मिले तो वो जरूर खेलना पसंद करेंगे, अपने आप में एक बड़ा बयान कहा जा सकता है। क्या हो भारत और पाकिस्तान के बीच में टेस्ट सीरीज खेला जाए, बायलेटरल सीरीज का आयोजन है तो कितना ज्यादा मजा आएगा। मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई भी टूर्नामेंट करा दो, कोई भी मुकाबला करा दो, भाई साहब स्टेडियम में दर्शक खचाखच भरा हुआ रहेगा। लेकिन कहां पे आयोजन हो सकता है? न्यूट्रल वेन्यू पे हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को भारत बुलाया नहीं जाएगा टेस्ट सीरीज के लिए और पाकिस्तान टीम इंडिया खेलने के लिए जाएगी नहीं, तो न्यूट्रल वेन्यू पे जो है ये टेस्ट सीरीज का आयोजन करवाया जा सकता है। उसमें न्यूट्रल वेन्यू में साउथ अफ्रीका आ सकता है, इंग्लैंड आ सकता है या फिर ऑस्ट्रेलिया, इन तीन देशों में जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में टेस्ट सीरीज का आयोजन कराया जा सकता है। जो असली क्रिकेट फैन है, जो ये देखना चाहते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में बायलेटरल सीरीज देखना चाहते हैं, कोई भी तरीके का बायलेटरल सीरीज इन दोनों टीमों के बीच में आयोजन होती है ना भैया, पैसा भर भर के कमाओगे। मतलब चार दौरा कर लो और एक सीरीज खेल लो आप पाकिस्तान से, तो जितना रेवेन्यू आपको चार टूर पे किसी और टीम से होगी उससे कहीं ज्यादा एक ही सीरीज से आप उठा लोगे। भारत पाकिस्तान के मुकाबले की जिक्र की होने लगी, कहीं ये संकेत तो नहीं कि बहुत जल्द एक बार फिर भारत पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज देखने को मिलेगी? आखिर इसकी चर्चा अचानक क्यों होने लगी? कौन है वो जिसने भारत पाकिस्तान द्विपक्षीय सीरीज को छेड़ दिया है? लेकिन अब इस मुद्दे को किसी एक ऐसे शख्स ने छेड़ दिया है कि अब लगता है बहुत जल्द भारत पाकिस्तान आमने सामने होंगे, और इस बार बहुत बड़ा फर्क ये होगा कि दोनों टीमें ICC टूर्नामेंट में नहीं बल्कि द्विपक्षीय सीरीज में आमने सामने होंगे। लेकिन कौन नहीं चाहता भारत पाकिस्तान आमने सामने हो, कौन नहीं चाहता एक बार फिर नियमित रूप से भारत पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज हो। दोनों ही देश ऐसे हैं जहां क्रिकेट को पूजा जाता है, जहां क्रिकेट को धर्म माना जाता है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने बड़ा खुलासा किया है और द्विपक्षीय सीरीज खेलने की इच्छा जताई है, जिस पर उन्होंने खुलकर बात भी की है। जब इंटरव्यू में पूछा गया था कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच नियमित रूप से द्विपक्षीय सीरीज न्यूट्रल वेन्यू पर शुरू होती है तो क्या वो ये पसंद करेंगे, जिस पर रोहित शर्मा ने खुलकर जवाब दिया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान एक अच्छी टेस्ट टीम है और उनके पास एक बेहतरीन गेंदबाजी लाइन है, और अगर हम किसी विदेशी जमीन पर खेलते हैं या फिर न्यूट्रल वेन्यू पर खेलते हैं तो ये एक बहुत अच्छा कंपटीशन होगा। फिलहाल रोहित के इस बयान ने भारत पाकिस्तान द्विपक्षीय सीरीज को लेकर चर्चाएं तेज कर दी हैं। अब देखना होगा न्यूट्रल वेन्यू पर ही सही भारत पाकिस्तान के बीच कब तक नियमित तौर पर द्विपक्षीय सीरीज शुरू होते